हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अरवी की सब्जी बनाऊंगी जो खाने में बिल्कुल ही चिपचिपापन नहीं होगा जिसको खाने से। ये देखिए, इसके लिए मैंने 250 ग्राम अरवी लिया है, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, 7-8 मैंने लहसुन की कलियां ली है जिसे मैंने कूट लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। मसाले मैंने सारे इकट्ठे ले लिए हैं। इसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। हरा धनिया लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, राई लिया है थोड़ा सा, काला सरसों लिया है मैंने थोड़ा सा, इधर ही 2 हरी मिर्च लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच मैंने आमचूर लिया है। यदि आप सब्जी में आमचूर डालना चाहती हैं तो इसका प्रयोग कर सकती हैं, अगर आमचूर नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने इस सब्ज़ी में आमचूर का प्रयोग किया है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने अदरक का प्रयोग नहीं किया है इस सब्ज़ी में। सबसे पहले मैं अरबी को अच्छे तरह से छील के काट लूँगी। इसको अच्छी तरह से छील लेंगे पहले, ये मैंने छील लिया। अब मैं इसको धो लूँगी अच्छी तरह से, ये मैंने धो लिया है। ये अरबी थोड़ा लंबा है इसे बीचों बीच काट लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे टुकड़े नहीं काटने हैं, इस प्रकार से पतले पतले काटेंगे। ये मैंने काट लिया है। अब मैं कढ़ाई गरम करूँगी। कढ़ाई जब गरम हो जाएगा तब इसमें मैं काला सरसों डाल दूँगी। जब ये अच्छे तरह से चटक जाएगा तब मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी, बड़े चम्मच से 2 चम्मच। आप जो भी तेल रिफाइंड खाते हो प्रयोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग किया है। अब मैं अरबी डाल दूँगी। इस दौरान जो हमारी आँच होगी वो तेज ही होगी। थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, हल्का भूरा रंग का होने लग जाएगा तब मैं नमक डालूंगी। चाहे अरबी की सब्जी हो या भिंडी की सब्जी हो, पहले नमक नहीं डाली जाती है, आधा भून जाने के बाद ही डालते हैं नमक। यह देखिए, आधा भून गया है, हल्के भूरे रंग का हो गया है। अब मैं नमक डालूंगी। नमक एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा नमक हम मसालों के लिए बचा के रखेंगे। यह देखिए, हल्के भूरे रंग का होना शुरू हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, तेल हमारा बचा हुआ है इसी में हम बनाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, इसे मैं भूनूंगी। इस दौरान जो हमारी आँच होगी वो तेज ही होगी। नमक डाल देंगे। ध्यान रहे, पहले भी हमने सब्जी में नमक डाला था, इसलिए इतना नमक डालना है जो मसालों में आ सके। नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे। ये देखिए, हल्के भूरे रंग के प्याज हो गया हमारा। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। मिर्च डाल दूंगी। मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार रख सकती हैं। हल्दी डाल दूंगी, मसाले डाल दूंगी। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद मैं छोटे गिलास से 1/2 गिलास पानी डालूंगी, या आप 1 कप पानी डाल सकती हैं। पानी डालने के बाद हम जो है आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। ये देखिए, हम इसे ढक दूंगी।
दो से तीन मिनट बाद मैं इसे ढक्कन को हटाऊंगी। मैं इसको अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें अरबी डाल दूंगी। इस दौरान हमारी जो आंच है वो धीमी होगी, तेज नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसे फिर मैं ढक दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे। इसमें मिर्च और धनिया डाल दूंगी मैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अंत में लास्ट में मैं इसमें आमचूर डालूंगी। आप अगर नहीं डालना चाहती है तो यहीं तक आप बनाकर रख लीजिए। मिक्स करने के बाद आमचूर डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हमारी अरबी की सब्ज़ी तैयार है। आप चाहे तो रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।